आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज मैं महाराष्ट्र की धरती पर, उस पावन धरती पर जो कि महाराष्ट्र के अंदर पुणे जिले में जुन्नर तालुका के अंदर पड़ता है, बहुत ही ऐतिहासिक भूमि पर मैं इस समय मौजूद हूँ, जिसको पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में दर्ज है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जुन्नर का छत्रपति शिवाजी महाराज का सिवनेरी किला है। और सिवनेरी किला ऐतिहासिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म इसी स्थान पर हुआ है। और ये पीछे आप ये जो जगह देख रहे हैं, ये इमारत इसमें बनी हुई है, यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। इसके अंदर पालना भी है, इसके अंदर ऊपर पूरा ये डबल स्टोरी का पूरा ये बिल्डिंग है ये। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए, मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जो है वो 1630 में हुआ था और 1680 में उनकी मृत्यु हुई थी। सबसे बड़ी ऐतिहासिक बात यह है कि 50 सालों के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो इतिहास बनाया, जो करके दिखाया, वो सभी युवाओं के लिए बिल्कुल प्रेरणा का स्रोत है। और लोगों को उनसे कुछ सीखना चाहिए कि 50 साल की उम्र में उन्होंने जो इतिहास बना दिया देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब कभी भी आप लोग महाराष्ट्र में, इंडिया में आते हैं और महाराष्ट्र पहुंचते हैं, तो आप जुन्नर तालुका में इस सिवनेरी के किले में आकर दर्शन जरूर कीजिए। आपको यहाँ पर बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी, बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये शिवाजी महाराज का मंदिर भी है, साथ में जिजाऊ माता का मंदिर भी है। और साथ ही साथ इस पहाड़ के ऊपर से ये पहाड़ आई, मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ के नीचे से आपको कैसा दिखता है। देखिए पहाड़, ये इस किले के ऊपर से पूरा का पूरा जुन्नर तालुका दिखता है। आप यहाँ पर चीज थी कम से कम 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर आपको यहाँ से दिखाई पड़ेगा इस किले से। और छत्रपति शिवाजी महाराज अपना पूरा शासन, अपना पूरी सल्तनत इसी किले से चलाते थे। और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया और पूरे हिंदुस्तान के युवकों के लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। और ये सिर्फ कोई ऐसा पिकनिक स्थल नहीं है, ये प्रेरणा का केंद्र है। तो जब कभी भी आप महाराष्ट्र के अंदर आते हैं, आज हम लोग 2023 के अंदर क्या देखे सर, पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर सिवनेरी किला देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे आने के बाद मैं डेट तारीख सब भूल गया हूँ, इतनी चीजें यहाँ पर है। 4 किलोमीटर चढ़ करके ऊपर से नीचे से ऊपर पहुंचा हूँ और यहाँ पर आने के बाद इतना बढ़िया लग रहा है कि मैं इसको अपने अल्फाजों में, अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जब भी आप हिंदुस्तान में पहुंचेंगे या आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, जब भी आप महाराष्ट्र आइए और सिवनेरी के इस किला पे पहुंचकर छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली का दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको उनको प्रणाम कीजिए, उनका पैर छूइए। और जिस वजह से आज पूरे हिंदुस्तान की अस्मिता, इज्जत, मान सम्मान आज पूरी दुनिया में बरकरार है, उसका सबसे बड़ी वजह छत्रपति शिवाजी महाराज थे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जब भी हिंदुस्तान पहुंचेंगे या भारत में कहीं भी रहते हैं, तो आप यहां पर जरूर आएंगे। और छत्रपति शिवाजी महाराज सिवनेरी किले से राजेश मिश्रा, मातृभूमि टीवी, जय हिंद, जय इंडिया।